शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये गहना कहाँ है? आ रही तो गहना है, इनका तो आज गौना है ना? गहना का ससुराल जी यही अपने किशनगंज में है ना? हाँ, अपना गौरव है, पटना में रहता है, 7-8 घंटा ही दूर है यहाँ से। हमरे लिए तो सदियों की दूरी है ही, बापू ने 7 फेरे दिलवाए थे लेकिन हम 8 गो फेरे लिए। देखो ना गौरव, बचपन का घर आज से असली का हो गया था। गौरव और गहना ये दोनों मिलके गौना बनते हैं। और आज सच में हमारा भी मिलन है, गौना है आज हमरा। शिव पार्वती की तरह हमरे नाम भी एक हो, इसलिए हम भी ई गोदना गोदे हैं। बहुत सालों के बाद हमें हमरे इंतजार का फल मिल रहा है। आज हमरे साथ साथ ई गुड़िया की भी डोली उठेगी। गौरव, तुम हमरा गौना करवाने आओगे ना? तुम्हें हम याद तो है ना? सब याद है हमें भोलेनाथ, कहना भी, हमारा वादा भी, और ये भी याद है कि आज हमारा गौना है। भूलने वाली बात ही नहीं है ये। आज शाम की ट्रेन से हमें किशनगंज जाना है। हमें तो शादी का मतलब भी नहीं पता था जब गहना के साथ घर गृहस्थी के इस खूंटे से बांध दिए गए थे हम। हाँ, तो बचपन से ही गौरव के साथ जो घर बसाने का हम सपना देखे थे वो खेल खेल में ही सही, पर उनका हाथ पकड़ कर ही हम हमेशा सही राह पर चले हैं। पर अब हमारी राह बदल चुकी है भोलेनाथ। हमारे भी सामने हमारा करियर है, हमारे सपने हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। इन सब खुशियों का गला घोटकर हम कैसे गहना के साथ गौना कर लें? गौना करवाने तो आएगा ही ना गौरव, आखिर 4 साल से बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं हम महादेव। गौरव हमारी जिंदगी की एक लौती खुशी है, हमारी जिंदगी, हमारी पहचान, सब कुछ है गौरव, और उसके बिना हम कुछ भी नहीं। और आज
आज जब उनका मिलने की बारी आ रही है महादेव, हम बड़े ही बेताब हो रहे हैं। हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। पर अभी उसे हम अपनी दुनिया में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है महादेव। हम कैसे कहें उसे कि हमारी असली मंजिल का रास्ता उसका दिल चीर कर गुजरता है। महादेव, आप उका हमारे पास जल्दी से भेज दीजिए। उका है कि गौरव के साथ उसकी दुनिया में जाने का सब्र अब और नहीं हो रहा हमसे। महादेव, हम ये गौना नहीं करना चाहते। आजकल करते करते इतने साल गुजर गए और आज तो गौना का दिन आ गया है। अगर आज भी उसे नहीं बताया तो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। गहना के इतने अहम दिन पर हमें उसका दिल तोड़ना पड़ेगा। बचपन से लेकर आज तक हमारा सहारा, हमारी दोस्त, हमारी लाठी रही है वो। लेकिन दोस्त से ज्यादा आज तक ना हम उसे कुछ समझ पाए और ना समझ पाएंगे। दोस्ती के लिए गहना से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। मगर पत्नी, नहीं माधव, गहना वो है ही नहीं जिसकी हमें चाह है। हमारी चाह तो हमारे सपने हैं। अजीब दुविधा में फंस गए हैं माधव। आप ही कोई राह दिखाइए। उर्वशी मैम कभी भी ग्रीन रूम से आती होगी, जल्दी करो, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उन्हें इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पेज के लिए सिलेक्ट किया है। कम ऑन, क्विक। अरे ये मेरी असिस्टेंट कहाँ मर गई यार? इसके कॉलर ठीक करो। जल्दी जल्दी इसके कॉन्टरिंग ठीक करो। शूज देखो इसके। आई डोंट वांट टू लूज माय जॉब बिकॉज ऑफ यू। हरिया डार्लिंग, लाइट ज्यादा, लाइट क्यों ऑन नहीं है? बस इससे ज्यादा हेवी आइस नहीं चाहिए मुझे। 1980 नहीं, 2023 चल रहा है। न्यूड शीट्स चाहिए मुझे। यू सीधे खड़े रहो और तुम कंधे मत झुकाओ। चिन अप, बी टॉल। उर्वशी मैम को ये झुके हुए कंधे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैम आपका आमंड मिल्क डीकैफ कोल्ड। किस चीज का इंतजार हो रहा है यहाँ? लेट्स स्टार्ट। शिट शिट शिट, जिस मॉडल को मैम के साथ शूट करना था वो तो आया ही नहीं। अब उनकी कॉफी खत्म होने से पहले, हे भगवान, वो आ जाए, वरना आज तो हम दोनों का करियर खत्म। उर्वशी चौधरी को बीच में टोकने की हिम्मत भी मत करना।
क्या है ये? तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत भी कैसे की? क्या तुम लोग जानते नहीं कि ये फोटोशूट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? टॉप फैशन मैगजीन के कवर पेज का शूट है ये, द फ्लेम। द फ्लेम के नए एडिशन में 4 पेज का इंटरव्यू है मेरा। उनकी मेन स्टोरी, उनका मेन कवर है हम, और मेरी पिक्चर में दाग वाली शर्ट की मॉडल का फोटो, दे नॉट। उर्वशी चौधरी पटना के किसी नुक्कड़ के टेलर नहीं है, और ये मॉडल मुझे मेरी पिक्चर्स में नहीं चाहिए। यू आउट। हमारी फोटोशूट का मेन मॉडल कौन है? मैम वो दरअसल अभी तक आया नहीं, मैं उसको कॉल करती हूँ अभी। कौन है ये जो उर्वशी चौधरी के स्टूडियो में लेट आने की जरूरत कर रहा है? महादेव की जटाओं से निकली गंगा मैया को चढ़ावा चढ़ाई दिया रे। अब जो की हाथ लगी ई चांदी का सिक्का, ऊ की किस्मत दाता थैया रे। ढूंढो ढूंढो। तो ये पोस्टर वाला मॉडल है, ये कामयाबी, ये अवार्ड्स, यही हमारा सपना है। हमें उर्वशी मैडम से। तुम पूरे 10 मिनट लेट हो,
अब इसके बाद जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो। तुम्हारी वजह से आज हम सबकी नौकरी जाएगी। चलो जल्दी। देखिए हम जल्दी रेडी करो इसे। मेकअप करने का टाइम नहीं है, चलो जल्दी उठो। माँ मॉडल आ गया है। बाल लड़किया कौन बहलबा, और ये अब तक हमरी नजरों से कैसे बची रह गई रे। तेजा भैया जी, ये गहना है माधव की बिटिया, आज शाम को इका गौना है, इसलिए लाली लिपस्टिक लगा के भटक रही। गौना, वो भी हमरे को मुंह दिखाई दिए बिना। ई के साथ तो सुहागरात पहले हम ही मनाई। मेरे स्टूडियो में लेट आने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? हो कौन तुम जिसकी वजह से उर्वशी महेंद्र चौधरी को पटना की सबसे बड़ी डिजाइनर को इंतजार करना पड़ा? इस शहर को मैं पेरिस बनाना चाहती हूं, लेकिन तुम जैसे कुछ अनप्रोफेशनल लोगों की वजह से इस शहर का कुछ नहीं हो पा रहा। मैं तुम्हें एक मिनट, हम मॉडल नहीं है पर बनना जरूर चाहते हैं। हम महेंद्र सर के ड्राइवर हैं। बड़े साहब ने आपके लिए गाड़ी भिजवाई है, बोला आपको अपने साथ वापस लेकर आए। गॉड, ड्राइवर, दिस इज सो डिस्गस्टिंग। यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक ड्राइवर होकर मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े पहनने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये कपड़े तुम्हारी औकात से कई ज्यादा महंगे हैं। एंड यू इज नॉट अ प्रो मॉडल, वी कैन नॉट शूट विथ हिम, पैक अप। Thank you.
जानते हो ना तुम लोग कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन था। एक साल से हम सब इस दिन का कितना वेट कर रहे थे, तुम सब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक मॉडल तक अरेंज नहीं कर पाए तुम लोग। सब के सब निकलो यहां से, आउट। और तुम कब से पापा के ड्राइवर हो गए? पहले तो तुम्हें देखा नहीं। हाँ, हम आज ही नए कंफर्म हुए हैं। 3 घंटे में हमारी ट्रेन है, हमें गांव जाना है। गांव से वापस आते ही ऑफिशियल जॉइनिंग है। जंगली जानवर। एक मिनट मैडम जी। हाँ, क्या जंगली पना किया है हमने? मोगली बनकर सबके सामने नाचे हैं या टार्जन बनके अपने कपड़े फाड़ कर चिल्लाए हैं? अभी तक हम आपके लिए मॉडल थे, ड्राइवर बने तो गवार हो गए। हमारी औकात याद दिलाने लग गई आप तो। मैडम जी, नजरों पर ऐसा भेदभाव का चश्मा लगा कर रखेंगी ना तो पटना कभी पेरिस ना बनी। अब तुम मुझे समझाओगे कि मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं? तो क्या करें, आंखों पे पट्टी बांधे ऐसी बनी फिरेंगी तो सही रास्ता तो दिखाना पड़ेगा ना। यूं जंगली? कीज, चाबी, यू आर फायर्ड। फायर्ड, हमारी नौकरी? ये क्या कर दिया हम महादेव, गुस्से पे काबू नहीं किया हम। अभी अभी तो बड़ी मुश्किल से नौकरी कंफर्म हुई है। 4 साल से छोटा मोटा नौकरी करके गुजारा कर रहे थे, नौकरी को हम जाने नहीं दे सकते। मैडम रुक जाइए। अपनी डेथ विश चाहते हो क्या? पीछे हटो वरना गाड़ी तुम पर चढ़ा दूंगी। मूव। देखिए मैडम, बड़े साहब ने आपको गाड़ी देने से मना किया है। Dare not. मैडम आप बाहर आइए वरना बेमतलब हमारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी तो तुम्हारी जा चुकी है। यू सॉरी मैडम, बड़े साहब ने कहा है कि आपको गाड़ी नहीं देनी है तो हम गाड़ी नहीं देंगे, बात खत्म। आप प्लीज बाहर आइए। हाउ डेयर यू। उर्वशी चौधरी पर हुकूमत चलाने की कोशिश मत करो। देखिए मैडम, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो आपके पापा ने हमसे करने के लिए कहा है। अब प्लीज बाहर आइए। और रियली, मेरे पापा ने कहा है कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं देनी। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? है तुम में इतनी हिम्मत? को कुछ भी साबित करना जरूरी तो नहीं है हमारे लिए, पर फिर भी अपनी ड्यूटी करने के लिए हम आपको रोकेंगे।
के प्रदर्शन में भक्ति का मेल नहीं होता। तुम्हारी हीरोपंती मटियाने में इतना भी ख्याल नहीं आया कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है, वो बाहर ही नहीं आ रहा था। ए गहना, कहाँ इन पिल्लों के चक्कर में पड़ी है? अरे बचवा लोगन का इतना ही शौक है तो बता हमको, पूरा का पूरा क्रिकेट टीम खड़ा कर देंगे त्योहार वास्ते। वैसे बहुत नाइंसाफी की तू हमारे साथ, इतना खूबसूरत मुखड़ा दूज के चांद की तरह हमसे छिपाए रखी। खैर अब जब दर्शन हो ही गए हैं तो चल गौना से पहले वो दिखाई तो कर ले हमारे साथ। अपनी माँ बहन से भी ऐसे ही बतियाते हैं का? घिनौने आदमी, छी! अरे अरे मैडम जी, अरे मैडम जी रुक। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो। चेहरा हम इकद दुपट्टा से ही पहुंचेंगे। साहब साहब, पूरा शहर सर पर उठा लिया रैली वालों ने। मेरे पापा महेंद्र सिंह चौधरी मेरे वकील को लेकर आ रहे हैं। जब तक मेरे वकील नहीं आ जाते तब तक ना मैं अंदर जाऊंगी ना कोई गवाही दूंगी। इसीलिए आपको मना किया था मैडम जी, गाड़ी हमें दे देती तो ये नौबत नहीं आती। पर गाड़ी तो ड्राइवर ही चलाता है ना। क्यों गौरव? यही तो हम भी कह रहे हैं बड़े साहब। आपका है तकलीफ किया जनाब, एक फोन गनगना देते हम सारा मामला यही निपटा देते। अपनी बेटी के लिए तो हम यमराज की चौखट तक चले जाएं, ये तो सिर्फ एक पुलिस थाना है। खैर इस ड्राइवर को अरेस्ट कर लो। किस मुसीबत में फंस गए हैं हम महादेव? आज तो हमारा गौना है, तुम कहाँ रह गए हो गौरव? तोरा दूल्हा तो आया नहीं गौना कराए खातिर, तो तेजा आ गया दूल्हा बनके। चल कर ले हमसे गौना, बन जा मेरी दुल्हनिया। कौन सा सिनेमा देखना है तुमको? हाँ हरम भैया जी, तुम कहाँ हो गौरव? मुझे इस राक्षस से बचा लो।